इरेक्ट का मतलब सीधा। इसके सिनोनिम्स क्या क्या, पहला रेज, फाउंड, सेटअप, राइट, बिल्ड और स्ट्रेट, ठीक है, ये सब इरेक्ट के सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स में जाओगे तो फॉल डाउन, ठीक है, सिंक, बेंट और रेज, ठीक है। इसका मतलब देखो तो रेज का मतलब देखे थे एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है, रेज का मतलब नेक्स्ट वर्ड में चलते हैं। अगला वर्ड है क्या, एल्यूसीडेट। एल्यूसीडेट का मतलब स्पष्ट करना, प्रकाश डालना, निबंध वाला, ठीक। तो इसके सिनोनिम्स में पहला इल्यूमिनेट, ठीक है, फिर इंटरप्रेट करना, इसके बाद मेक क्लियर और क्लेरिफाई, ये सब क्या है, एक ही चीज का मतलब है, सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स में गए तो ऑब्स्क्योर, इसके बाद मेक अनइंटेलिजिबल, मतलब ऐसा बना देना कि मतलब चेकर जो है ना उसको समझ में ही नहीं आए, है ना, प्रकाश डाल रहे हो ना गाय के निबंध पे। अगला है डार्कन, ठीक है, और फिर कंफ्यूज, ये हो गया। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज का, पहला है वन हु डैमेजेस पब्लिक प्रॉपर्टी, जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है उसके लिए क्या वर्ड है, वैंडल, ठीक है। दूसरा द एक्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ वॉकिंग इन स्लीप, नींद में चलने की बीमारी या नींद में चलने की आदत, उसको बोलते हैं सोनैम्बुलिज्म, ठीक है। यहाँ पे एम क्या है, साइलेंट है, ठीक है, सोनैम्बुलिज्म। नेक्स्ट है अ पर्सन हु एडुलेट्स टू द रीच, एडुलेट का मतलब ही होता है चापलूस, ठीक है, इसका मतलब ही होता है चापलूस, चमचागिरी करना, ठीक है। तो उसके लिए जो मतलब उसमें भी चमचागिरी में भी एक उच्च दर्जे का चमचा जो रईसों की चापलूसी करता है उसको बोलते हैं साइकोफेंट, ठीक है। अगला फोर्थ वर्ड है अ पर्सन हु इज टू रेडी टू बिलीव, जो बहुत ही आसानी से किसी बात पे भरोसा कर ले, ठीक है, अप्रैल फूल के दिन जैसे सबको बना देते हैं ना, ठीक है, वही जो बहुत आसानी से किसी चीज़ को मान ले उसको बोलते हैं क्रेडिबलस, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना इनक्रेडिबल छत्तीसगढ़, अविश्वसनीय छत्तीसगढ़, तो उसका उल्टा क्रेडिबल होता है, विश्वसनीय। अविश्वसनीय यहाँ पर नेगेटिव वर्ड नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा कुछ है कि आसानी से कोई विश्वास ना कर सके, इसलिए वैसा इनक्रेडिबल छत्तीसगढ़। तो वहाँ से क्रेडिबल वर्ड जो आता है विश्वास से रिलेटेड आता है, ठीक है ना। तो क्रेडुलस का मतलब जो आसानी से किसी बात को मान जाए, भरोसा कर ले। फिफ्थ वर्ड है आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन और वे टू राइट ब्यूटीफुली, मतलब किसी चीज़ को अच्छे से रिप्रेजेंट करना, लिखना, है ना, कोई अच्छा सा आर्ट बनाता हो तो उसको हम बोलते हैं, उसको लिखने की तरीका को कैलीग्राफी, ठीक है, जो अच्छा लिखेगा उसको कैलीग्राफर, जो अच्छा जिसकी हैंड राइटिंग होगा वो एक कैलीग्राफर होगा, ठीक है। एक्चुअली जो नए नए तरीके से फॉन्ट की भी जो खोज करता हो ना कि भाई ऐसा लिखा जाए, जो नया नया तरीका से लिखता है उसको भी हम कैलीग्राफर कहते हैं। सिक्स वर्ड है अ टॉक विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, एक ऐसी बातें बकवास कर रहा है कोई, कुछ भी समझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन समझ किसी को ना रहा हो, तो ऐसे बात को हम क्या बोलते हैं, बैबल, मतलब बकवास, ठीक है, क्लियर है इतना। चलो इंग्लिश का पोर्शन हो गया, आप खत्म।